अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई NSUI ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ प्रदर्शन किया और ABVP का पुतला जलाया। इस अवसर पर NSUI की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष जतिन डोगरा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर राजस्थान में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों का बचाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में गैंगरेप के सभी आरोपी ABVP के समर्थक थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम जतिन डोगरा, मैं NSUI जम्मू विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष हूं। आज जम्मू विश्वविद्यालय इकाई के साथ जम्मू कश्मीर NSUI यहां पे जम्मू विश्वविद्यालय के बाहर एक प्रदर्शन कर रही है, ABVP का पुतला जला रही है और ये पूरा आज पूरे देश के अंदर भी ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपने देखा पिछले दिनों ABVP के कार्यकर्ताओं का राजस्थान के अंदर एक माइनर लड़की के साथ रेप के आरोप लगे और उनको गिरफ्तार किया गया, ABVP किस प्रकार से उनका समर्थन कर रही है, इतनी शर्मनाक हरकत जो ABVP द्वारा की जा रही है। आज हम छात्र संगठन का टोटली क्रिटिसिज्म करते हैं और उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं देश से और देश के युवाओं से, छात्रों से अपील करना चाहूँगा कि आप इस प्रकार के ऐसे छात्र संगठनों का कभी समर्थन ना करें जो देश की बेटियों के हित में नहीं फैसला सुना सकते। क्यों? क्योंकि अगर बेटियों के लिए अगर राजस्थान की गवर्नमेंट ने, वहाँ पे राजस्थान की पुलिस ने उन ABVP कार्यकर्ताओं का अरेस्ट किया, उन्होंने उनके खिलाफ आरोप थे और उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, तो आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूँगा। और मैं आपके माध्यम से कहूँगा जम्मू विश्वविद्यालय के बाहर है, जम्मू विश्वविद्यालय के ABVP वाले भी इसका समर्थन कर रहे थे। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें उनकी पोस्टें जा रही थी कि किस प्रकार से जो वो आरोप लगे हैं उसके खिलाफ वो उसकी फेवर में कर रहे थे कि क्यों हमारे ABVP के कार्यकर्ता को अरेस्ट किया गया। इस कारण से मैं आप मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि ABVP जैसे छात्र संगठन को शोभा नहीं देता, उनको शर्म के मारे डूब जाना चाहिए अगर वो ऐसे इस प्रकार के आरोपियों का समर्थन करते रहे।